हेलो दोस्तों, मैं सीमा, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चुकंदर, इसे बीट रूट भी कहते हैं। बहुत ही हेल्दी होती है ये। मुझे 2 दिन से बुखार है और काफ़ी, आप देख सकते हो मेरी आवाज़ भी गला पड़ा हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम इसका हलवा बनाकर खाते हैं तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। अगर हमारे अंदर खून की कमी है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डाइटी फाइबर जैसे पोषक तत्व इसमें होते हैं, और आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे भी मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं चुकंदर का हलवा। बहुत ही टेस्टी होता है और सबसे अच्छा है ये प्रोटीन के लिए। अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको जैसे थकावट होती है, खून की कमी है, इन सब से आपको निजात मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरी का अवश्य देखें। चलो बनाने चलते हैं। यहाँ पर हमने एक चुकंदर लिया है, इसको अच्छे से धोकर हमने वॉश कर लिया है। अब इसको छील लेते हैं। फटाफट से इसका छिलका उतर जाता है क्योंकि इसके छिलके की होती है मोटी परत। अभी सारे छिलके को हमने इसी तरह से निकाल लेना है। बहुत ही कमाल का और हेल्दी ये हमारा हलवा बनकर तैयार होएगा, और टेस्ट तो इसमें बहुत ही कमाल का आता है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको लगेगा जैसे कि गाजर का हलवा खा रहे हो। तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, और पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना अपना प्यारा सा, और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री। अब इसमें थोड़ा सा जहाँ होल्स है उसको हम इस तरह से चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। बिल्कुल साफ तरीके से हमें इसे अच्छे से छील लेना है। अब यहाँ से भी हम इसको इसी तरह से छील कर तैयार कर लेंगे। अच्छे से हमारी ये छिलकर तैयार हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे कद्दूकस और उससे जो मोटे छेद है उस तरफ से हमें इसे कस लेना है। फटाफट से कस कर तैयार हो जाएंगे, इसके लंबे लंबे से लच्छे निकल कर आ जाएंगे। यहाँ मैं एक ही चुकंदर का बना रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और इसी के अनुसार आप इसमें दूध और चीनी को बढ़ा लेना। यहाँ पर हमने पूरी चुकंदर को कस लिया है, और यहाँ करीब मैंने 2 स्पून के करीब मानो आप घी लिया है। घी गरम हो चुका है। गरम होने के बाद हम इसको 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। करीब आपको इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है इसमें घी में। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखें, और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको इसी तरह से चलाते रहें। धीरे धीरे जब आप इसको चलाते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। 3 मिनट करीब हो गया है। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप फुल क्रीम वाला दूध, और 1/2 कप ली है हमने चीनी। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप मेरे जितने ही चीनी लें जितनी मैंने ली है, और अगर कम पसंद है तो आप इससे भी कम डाल सकते हैं। अभी इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। करीब 5 से 7 मिनट हम इसको इस ऐसे ही चलाएंगे। थोड़ी देर ढककर रख देंगे इसको ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और जब तक इसका पूरा अच्छे से पानी सोख नहीं जाता तब तक हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। अच्छे से आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो रहा है, और बहुत ही कमाल का हमारा ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। 5 से 7 मिनट ही हमें इसको चलाना है इस तरह से। यहाँ पर गैस को हमने थोड़ा ही कम स्लो रखा है क्योंकि हम इसको लगातार चला रहे हैं। तो फटाफट से बनकर हमारा ये हलवा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, 1/2 स्पून के करीब हमने डाला है। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो इलायची पाउडर आप ज़रूर डालें।
जो ग्रीन वाली इलायची होती है उन्हें कूट कर रख ले और बाद में इस तरह से डालकर मिक्स कर ले। अभी इसमें थोड़ा सा दूध और है, वो बिल्कुल जब सूख जाएगा तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो हलवा हमारा बनने ही वाला है और जैसे जैसे बन रहा है कितना कमाल का दिख रहा है, खाने में तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है। अभी यहाँ पर हमने ली है काजू ड्राई फ्रूट्स में, आप चाहे तो बादाम भी, जो आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू को डाला है, काजू बहुत ही बच्चों को पसंद आता है और बड़ों को। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। आप देख सकते हो कितना कमाल का और बेहतरीन हलवा बनकर हो गया है तैयार। यहाँ पर गैस को हम कर देते हैं बंद और हमारा ये हलवा है रेडी। अब इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको गर्म गर्म खाना है तो आप साथ के साथ इसको बनाएं और इस तरह से सर्व करके खाए, और नहीं तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, 7 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 7 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। वाव, आप देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है, खुशबू भी बहुत ही गजब की आ रही है और टेस्ट इसमें गजब का आता है दोस्तों। और यहाँ पे थोड़ी सी हमने बीच में से कट कर ली थी काजू, उसको गार्निश के लिए लगा देते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखते हैं साइड से इसको उठाकर कि कैसा लग रहा है हमारा ये हलवा। बिल्कुल मस्त है, गजब है, आप सबको बहुत ही भाने वाला है। वाओ, आप देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ी देर बाद खाएंगे हम। भाई कमाल हो गया, खाने में इतना कमाल का लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन और देखने में तो कमाल ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।